हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। टुडेस न्यूज़ हेडलाइंस आर, विश्वविद्यालय ने नहीं दी संबद्धता, दो सत्र पीछे हो गए मेडिकल कॉलेज। शिक्षा जगत की हलचल है ये कि मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत संचालित नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेजों को सत्र 2021-22 और मेडिकल कॉलेज होम्योपैथी यूनानी आयुर्वेद डेंटल कॉलेजों को अब तक शिक्षण सत्र 2022-23 में पाठ्यक्रम संचालन की संबद्धता और निरंतरता नहीं मिली है, जबकि नवीन शिक्षण सत्र 2023-24 के आगाज में कुछ महीने का समय शेष है। विश्वविद्यालय की लेट लतीफ़ी के चलते संबंधित कोष को में प्रवेश लेने हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर संकट का खड़ा हो गया है। विद्यार्थियों और उनके अभिभावक असमंजस में हैं। कॉलेज को संबद्धता नहीं मिलने से छात्र अब तक एनरोलमेंट नहीं हुआ, परीक्षा का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कितना इंतजार करें। ऐसी स्थिति में उनके मन में सवाल उठ रहा है कि पढ़ाई जारी रखें या किसी अन्य कोर्स में एडमिशन ले लें। मेडिकल विश्वविद्यालय अपनी लेट लतीफ़ी और अनियमितताओं के चलते लगातार सुर्खियों में बना रहता है। आलम यह है कि दो सत्र गुजर चुके हैं और कॉलेज की संबद्धता प्रक्रिया अभी भी अटकी हुई है। इसकी वजह है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबद्धता और निरंतरता नहीं मिली है, जो कि एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यह पूरी प्रक्रिया देरी से चलने से कॉलेजों में परीक्षा भी नहीं हो पाती। निर्धारित मापदंडों का पालन होता है अनिवार्य। कॉलेजों को मान्यता देने से पहले विश्वविद्यालय द्वारा गठित नियंत्रण निरीक्षण कमेटी कॉलेज के भवन, कक्षाएं, प्रयोगशाला, निर्धारित जगह, कक्षों, शिक्षकों की निर्धारित संख्या, शिक्षकों की योग्यता, विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधा सहित अन्य मापदंडों का जांच परख कर सकती है। जिन कॉलेजों को मान्यता मिल जाती है वे पाठ्यक्रम का संचालन करने के पात्र होते हैं, लेकिन यदि कॉलेज निर्धारित मानदंडों पर खड़ा नहीं उतरता तो उसे शिक्षण सत्र की संबद्धता और निरंतरता नहीं दी जा सकती। इन कॉलेजों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों के साल खराब हो जाते हैं। संबद्धता का पता नहीं, कॉलेजों की संख्या बढ़ी। प्रदेश में साल 2020 में कॉलेजों की संख्या करीब 450 थी, जो अब 740 से भी अधिक हो चुकी है। नर्सिंग कॉलेज 420 से अधिक, पैरामेडिकल कॉलेज 267 से अधिक, मेडिकल कॉलेज 17 हैं, वहीं 7 डेंटल, 10 होम्योपैथी, 4 यूनानी, 14 आयुर्वेद कॉलेज हैं। यह डाटा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रतिवर्ष अपडेट नहीं किया जाता, इसलिए यह डाटा अलग अलग सोर्स से एकत्रित किया गया है। विद्यार्थियों का समय और पैसा दोनों बर्बाद। यह प्रक्रिया सत्र शुरू होने से पहले ही हो जानी चाहिए, लेकिन दो साल बीतने के बाद भी यह आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने शिक्षण सत्र 2021-22 और 22-23 के कॉलेजों को अभी तक मान्यता नहीं दी है। इधर नया शिक्षण सत्र 2023-24 शुरू होने के करीब 2 माह शेष है। ऐसे में विद्यार्थी परेशान है कि क्या करें। 2 साल तो पहले ही पीछे चल रहे हैं, अब परीक्षा कब होगी। उन्हें डर है कि उनका कोर्स समय पर पूरा नहीं हुआ तो पैसा और समय दोनों ही बर्बाद होगा। डॉक्टर अशोक खंडेलवाल, कुलपति मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, इनका कहना है कि कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए लक्षित प्रक्रियाओं को पटरी पर लाने में थोड़ा समय लग रहा है। सीमित संस्थानों के बावजूद हम अब व्यवस्थाओं को सुधारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। निकट भविष्य में सारे काम समय पर होने लगेंगे, इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। अब इनका कहना तो है, बट इससे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा नुकसान है। ऐसी अपडेट पाने के लिए आर डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़े रहें। थैंक यू।